अब बहुत नीचे है, डीप है कितना। सो यहाँ पे हम लोग अभी बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, और फिर बाद में वहाँ पे जगदीश्वर टेम्पल है उस साइड, वहाँ पे जाएंगे। वेलकम गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्वराज्य दर्शन। इस कहानी की शुरुआत करेंगे हम रायगढ़ से। कल जब हमने रायगढ़ फोर्ट का बैक साइड देखा था, तब हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। और कल घर आते आते हमें लग गए 9:30, और फिर हम जल्दी सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे 5:30 को, और सोचा क्यों ना दिन की शुरुआत थोड़ी एक्सरसाइज और फिर 2 मिनट की मैगी के साथ किया जाए। प्लान तो था कि 6 बजे तक रायगढ़ फोर्ट के निकलना, लेकिन निकलते निकलते हमें लग गए 6:30। अब तक प्लान के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन मज़ा उतना ही आ रहा था। बहुत सारे एडवेंचर्स नए करने मिले। तो अगर आपको सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखने मिल रहा है, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मौसम की बात करें तो मौसम आज ऐसा लग रहा था कि हमारा ही स्वागत कर रहा हो। ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड बहुत थी, लेकिन हमारा जोश भी उतना ही था। आसमान भी पूरा नीला नीला और फॉगी वेदर था। तो अभी बात करें डिस्टेंस की, तो गांव से रायगढ़ फोर्ट का सफ़र कुछ 35 किलोमीटर्स का है। अगर देखा जाए तो 35 किलोमीटर्स आप 1 आवर में इजीली कवर कर लेते हो, लेकिन फॉगी वेदर इतना था कि हमें सिर्फ 100 मीटर तक ही दिख रहा था, इसलिए हमें 2.5 आवर लग गए। लेकिन ये जो सफ़र था और जो एक्सपीरियंस हमें हुआ, वो बहुत ही स्पेशल था। वो है हमारा लक्ष्य, वो वहाँ चढ़ के जाना, लेट्स गो। अभी तेरे से ले ले। सो रायगढ़ फोर्ट पे चढ़ने के पहले आपको यहाँ से टिकट लेना होगा, तभी आपको ऊपर रायगढ़ फोर्ट पे अलाउ किया जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू बाय टिकट। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है रायगढ़ फोर्ट पे चढ़ना। कुछ यहाँ से कुछ नीचे से आए, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, और ये हम लोग का गाइड गाइड। सो रायगढ़ फोर्ट चढ़ने के पहले हमने यहाँ के कुछ लोकल से बात की और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की कि कितना टाइम लगेगा हमें रायगढ़ फोर्ट पहुँचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अप्रॉक्स 2 आवर्स लगेगा, डिपेंड करता है आपकी चलने की स्पीड के ऊपर, आप कैसे चढ़ रहे हो। सो चढ़ते चढ़ते हमारे दिलों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जय भवानी जय शिवाजी। लगभग अपन 45 मिनट्स हो गए रहेंगे ना चल के। चलो मिलते हैं ऊपर। सो कैसे तैसे वैसे करके और ब्रेक लेते लेते हम रायगढ़ फोर्ट के फर्स्ट गेट तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने तक हमें 1 आवर तक लग गया, और फिर यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ से और 1/2 आवर का चढ़ाई है। तो ये है रायगढ़ फोर्ट का पूरा मैप। और बात की जाए हाइट की, तो रायगढ़ फोर्ट 4,400 फीट अबाव सी लेवल है, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। एनर्जी, स्ट्रेंथ, पावर, अपन घोषणा नहीं दिली। ये तोड़ने के बाद जब इसका जो पत्थर निकलता है, उसी पत्थर से पूरा जो गढ़ है उसका कंस्ट्रक्शन। सो देयर आर 2 वेज टू कम अप हियर। फर्स्ट रोपवे है, और सेकेंड है ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग के इतने बड़े शौकीन नहीं हो, तो आप रोपवे से आ सकते हो ऊपर। सो गाइस, अभी हम लोग है टकमकटक पॉइंट। यहाँ पे टकमकटक पॉइंट है, साइड फोर्ट है,
वहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे फोर्ट है। सो यहाँ पे हम लोग अभी बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे और फिर बाद में वहाँ पे जगदीश्वर टेम्पल है उस साइड, वहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि रखी गई है। यहाँ के वाइब्स में कुछ अलग ही था। मन तो कर रहा था कि यही रहे, पर घर तो जाना ही था। गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हो रायगढ़ फोर्ट आने का या कोई भी फोर्ट जाने को, तो ज़रूर जाइए, वहाँ की वाइब्स में कुछ अलग ही है।